हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यामा के द्वारा अपने को मिलने वाली FZ जो कि वर्जन 3 है। तो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हो ये 2019 का वेरिएंट है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कि अपने को 2019 में फीचर वगैरह मिलते थे। कोई भी बंदा अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहता है सेकेंड हैंड मार्केट में, तो वो इस वीडियो को जरूर देखे। और एक बार इस प्रकार की गाड़ियों के लिए, मतलब स्पोर्ट्स बाइकों के लिए ये वीडियो मैं आप बना रहा हूँ। तो टायर वगैरह आप देख सकते हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो ये देख सकते हो गाड़ी चल गई अपनी 43,125 किलोमीटर। और गाड़ी के अंदर अपने क्या क्या फीचर मिलते हैं, जैसे ये अपना RPM मीटर, फ्यूल गेज, अपना गियर के लिए इसमें नहीं आता, ये अपना स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर वगैरह मिल जाते हैं, ये अपना एक यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह सेट करने के लिए है, ये अपना इंजन लाइट, न्यूट्रल, ABS मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, सिंगल चैनल इंडिकेटर लाइट, और ये अपना हेडलाइट के लिए यहाँ पर अपने मिल जाता है यामा का लोगो। उसी के साथ साथ अपन हैंडल की बात करें तो ये अपना क्लच वगैरह मिल जाता है, ये अपना हाई बीम लो बीम वगैरह के लिए। इसकी हेडलाइट ऑन ऑफ का अपने कोई स्विच वगैरह नहीं मिलता, और जैसे अपना इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे अपनी लाइट ऑन हो जाती है। ये अपना इंडिकेटर वगैरह के लिए, ये अपना हॉर्न के लिए, इस साइड इंजन किल स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर मिल जाता है अपना सेल्फ का, और ये अपना ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं। मिरर भी आते हैं इस गाड़ी में ऊपर की साइड में, लेकिन इसमें लगाए हुए नहीं है। हेडलाइट की बात करें तो फुल्ली LED अपने को सेटअप मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा रहता है। डे के अंदर थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन काफी अच्छा रहता है। फ्रंट में अपन बात करें तो फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABS मिल जाता है, उसी के साथ साथ बाय ब्रेक के अपने को ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। टायर की बात करें तो इसके अंदर MRF के टायर मिल जाते हैं, जिसकी टायर साइज है 180R17 इंच के अपने को इसमें टायर मिल जाते हैं, और मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिल जाता है। ये इसका इंजन है जो कि 149 cc का है, जो कि 12.4 BHP की पावर जनरेट करता है। यहाँ पर अपने को सिंगल हॉर्न मिल जाता है, एयर कूल्ड इंजन मिलता है, ऑयल कूल्ड वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, या अपना लिक्विड कूल्ड वगैरह कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये अपना रियर ब्रेक वगैरह हो गया, इसमें साइड गार्ड अपने को ले गार्ड जो होता है अपने मिल जाता है, लेकिन इसमें अपनी लगाया हुआ नहीं है। जैसा कि कपड़ा वगैरह टांगने के लिए अपन इसमें ऊपर की साइड में तो कुछ स्पेस आता नहीं है, तो यहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर अपने को किक वगैरह कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन मिडल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आता है, जो कि मैं अभी ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, तो देखिए आप। इस प्रकार की कुछ अपने को साउंड मिल जाती है इसके अंदर। और रियर की बात करें तो रियर में अपने को MRF के टायर जो कि 140/17R17 के मिलते हैं। टायर वगैरह आप कोई भी कंपनी के चेंज करवा सकते हो, क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक है ये, लेकिन टायर साइज आप देख सकते हो 140, तो कितना ये अपना रोड टायर मिल जाता है। यहाँ पर अपने को कुछ अपने मिट्टी वगैरह के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी ऊपर की साइड में देख सकते हो आगे तक अपने को मिट्टी वगैरह चली जाती है। यहाँ पर मोनोशॉक इसमें सस्पेंशन मिलता है, और ये अपना रियर में भी डिस्क वाला ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में अपन बात करें टेल लाइट की, तो इस प्रकार के टेल लाइट अपने को मिलती है, जो कि शुरू से चलती हुई आ रही है, और सेम ऐसे ही अपने को मिलती है। तो ये कुछ रियर का इसका लुक है, जो कि आप एक बार दोस्तों देख सकते हो। बात करें चैन सेट या चैन कवर वगैरह की, तो इस प्रकार का अपने को चैन कवर मिल जाता है। चैन सेट की बात करें तो जैसे कि अपनी रॉयल एनफील्ड के अंदर चैन सेट की दिक्कत रहती है, मतलब जल्दी जल्दी से जाता रहता है, वैसे ही इसका है। जैसे कि आप देख सकते हो चैन, अभी इसका चैन सेट जा चुका है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइकों में ये इतना ही चलता है, 15,000 से 20,000 मैक्सिमम चल जाता है। 5 गियर के साथ में अपने को मिल जाती है ये अपना साइड स्टैंड, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर एक तो किक का ऑप्शन नहीं आता, उसी के साथ साथ इसकी हेडलाइट ऑन रहती है, ऑफ करने का कोई उसमें वो नहीं रहता। दूसरी चीज, जैसे अपने इग्निशन ऑन करेंगे अपनी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। और इस प्रकार का अपने को फ्यूल टैंक आता है, जो कि ऊपर में प्लास्टिक की बॉडी है और नीचे मेटल की। इस प्रकार की सीटिंग मिल जाती है, जो कि ड्राइवर के लिए काफी अच्छी है, और पिलियन के लिए थोड़ी सी हार्डकोर रहती है। इंजन अपने को यामा का मिलता है, जो कि आप जानते हो यामा का इंजन काफी पावरफुल और काफी अच्छा इंजन अपने को मिलता है यामा के द्वारा। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी, जो कि आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पहुंच सकते हो। यहाँ पर अपने को सीट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ आता है,
इससे अपन की से ओपन कर सकते हैं। बात कर ले इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो ये उस टाइम के हिसाब से लगभग 1,50,000 रुपए करीब आती थी। आज के टाइम में इसकी प्राइसिंग और भी इंक्रीज हो रही है। 150 सीसी के हिसाब से प्राइस कुछ ज्यादा है, लेकिन यामाहा का इंजन मिल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।